मुझे एक चीज बताइए ना, आप ये छोड़ दीजिए अभी कहना चाहिए 2 मिनट के लिए कि आप इंडिया से हैं या मैं पाकिस्तान से हूँ। आप सिर्फ ये देखेंगे कुछ भी किसी भी किस्म का प्रोटेस्ट होता है या कोई बात होती है, चाहे वो खालिस्तान की हो, चाहे वो पाकिस्तान में सिंधु देश बनाने की हो, चाहे बलूचिस्तान की बात हो, क्या गवर्नमेंट्स को, दोनों तरफ की जो गवर्नमेंट्स हैं, इनको ये नहीं चेक करना चाहिए कि आखिर लोग ये बात क्यों कर रहे हैं, उनको क्या प्रॉब्लम क्या है उनको अपने देश में जो वो ये बात कर रहे हैं। हम सीधे सीधे कह देते हैं ISI है, आप सीधे सीधे हमें बोल देंगे, हम सीधे सीधे कह देंगे रॉ के एजेंट्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, उन्होंने ये किया। हम उन लोगों को जाके स्टडी करने की, उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश क्यों नहीं करते कि आखिर उनको क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज उनको चाहिए, क्या चीज हम उनको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से उनको सरकार से या जो गवर्नमेंट है उससे उनको शिकायत है और उसी वजह से वो ये सब कुछ कर रहे हैं। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे नहीं है कि सब लोग आपके देश के खिलाफ होंगे या सब लोग पाकिस्तान के खिलाफ होंगे, ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। जैसे हमारे यहाँ है, मैं मानती हूँ हमारे यहाँ बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन का इशू है, जो हम क्या बहुत सी गवर्नमेंट्स हमारी सॉल्व नहीं कर पाई और अभी भी वो इशू है। लेकिन आपके यहाँ भी जो बार बार खालिस्तान की बात होती है, तो कहीं ना कहीं सर कोई और बात भी तो होगी, सिर्फ ये कह देने से कि नहीं ISI करा रही है या नहीं वो लोग ही जो है वो सिख नहीं है, वो ये नहीं है, ये बात आप कहीं तो उनको चेक तो करें कि अगर मेन प्रॉब्लम कुछ तो होगी। देखिए आज जी, यू हैव ओवर सिंप्लीफाइड द क्वेश्चन। मैं बहरहाल आई हैव अ डॉजियर ऑफ एविडेंस, मैं आपके साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर सकता हूँ अगर आप चाहें तो। कि जहां पे K2 जो है, इट्स अ ISPR प्लान, और इसके अंदर कौन कौन लोग मुलव्वज हैं और कैसे कैसे इसका एक प्लान बताया गया, एक नक्शा इसका जो है रिलीज नहीं किया जाता। आपने जो बताई, एक चलो मैं खालिस्तान की डिमांड को एक मिनट के लिए मान भी लेता हूँ। आपने मुझे कहा कि आप इंडियन ना अपने आप को समझिए, मुझे पाकिस्तानी ना समझिए। मैं आपको पाकिस्तानी समझता ही, समझ रहे हैं? आप हैं ही हिंदुस्तानी, आपकी रूह हिंदुस्तानी है, और बहरहाल फिजिकली यू आर प्रेजेंट इन एरिया विच इज कॉल्ड पाकिस्तान। और जहां तक मेरी बात है, मैं आई कैन नॉट इमेजिन इन दिस लाइफ टाइम, मैं बहुत छोटी उम्र में ना आई कुड हैव माइग्रेटेड टू कैनेडा और USA, मतलब मेरे पास एक ऑप्शन था, आई चोज टू स्टे बैक इन माई कंट्री। और यहाँ पे ना संघर्ष है, स्ट्रगल है, ऐसा नहीं है कि एवरीथिंग इज हंकी टोरी एंड रोजी। मेहनत लगती है साहब, बहुत मेहनत लगती है यहाँ पे। आई एम श्योर के कैनेडा में और USA में जाता तो और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती, क्योंकि वहां पे जो हमारे भाई हैं, दे आर वर्किंग वेरी वेरी हार्ड, वर्किंग वेरी वेरी हार्ड, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। मैं इस जिंदगी में कम से कम आई कैन नॉट इमेजिन नॉट बींग एन इंडियन। वो तिरंगे का झंडा मेरा और वो मेरे देश का निशान मेरे को इतना प्यारा है कि मैं एक मूवमेंट के लिए भी, एक पल के लिए भी मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि मैं किसी और मुल्क का हूं। जरा आपके मुल्क के अंदर जो मिसिंग पर्सन की दिक्कत है और जो रिजॉल्व नहीं हो रही और जो मसले हैं, मसाइल हैं, बहुत सारे हैं, आपने एक को गिनाया, उसका जो अभी भी वो ठीक नहीं हो रहा, उसका रीजन ये है कि देर इज अ मेजर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द आर्मी। 34-35 साल आपके पास जनरलों ने डिक्टेटरशिप रखी आपके मुल्क में, और हमारे मुल्क में एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि कहीं there was a conflict between the army and the government. So I mean to say government, when I say government is the politics. तो सियासत में और फौज में कभी भी कंफ्लिक्ट नहीं आया हमारे मुल्क में। और जहां तक सवाल है फार्म प्रोटेस्ट का, तो आपको पिछले साल ही, ज्यादा दूर नहीं लेके जाऊंगा, बस पिछले साल चलिए आप, और आप शाहीन बाग देखिए, उसमें कहा गया कि साहब आपकी नागरिकता यानी कि आपकी सिटीजनशिप छीन ली जाएगी, आपको डी कैटेगरी में, एक डाउटफुल की कैटेगरी में डाल देंगे, और आपको साहब उठा के ये लोग कंसंट्रेशन कैंप्स में डाल देंगे, और जहां पे कंसंट्रेशन कैंप्स हैं उगर मुस्लिम्स के लिए शिंजियांग में, वहां पे उसके लिए कोई आवाज नहीं उठाता। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते, माफ कीजिएगा, आपके मुल्क के हुक्मरान के साथ हम मुस्लिम ममालिक हैं और इस्लाम हमारी पहचान है और हमारा आपका रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सब खूब चलता है कश्मीर में, हमने खूब सुना है, बट उगर के लिए क्यों नहीं बोलते साहब? तब आपके आप योर हार्ट डज नॉट मेल्ट फॉर देम। मतलब एक चीज होती है ना हिपोक्रेसी, और एक होती है एपिटोम ऑफ हिपोक्रेसी। सो योर कंट्री ओवर द इयर्स
qua their policy towards their neighborhood, yeah, qua their international policy, or you know, terrorism being a part of the statecraft, has become an epitome of hypocrisy. और मैं कल ही फकर को कह रहा था कि फकर आपको ना यू हैव टू री रीड एंड री राइट योर हिस्ट्री, बिकॉज एक ऐसा मेजर आइडेंटिटी क्राइसिस आ गया पाकिस्तान में कि आपको बचपन से मतलब सिखाया जाता है, समझाया जाता है कि साहब वी आर डिफरेंट फ्रॉम इंडिया. हाँ, हम लोग एक मुल्क हुआ करते थे, बट हम लिंग्विस्टिकली कुछ एरिया हमारा सेम हो सकता है, कल्चरली सेम हो सकता है, बट वी आर अ सुपीरियर रिलीजन, वी आर अ सुपीरियर रेस, वी आर अ सुपीरियर कम्युनिटी. तो वो सुपीरियरिटी जो है वो कई सारी चीजों में, आप जैसे कम्पीट करते हैं, न्यूक्लियर टेस्ट होते हैं तो आप हफ्ते 10 दिन के अंदर शगाई में कर देते हैं अपने न्यूक्लियर टेस्ट, पर हमारे यहाँ पे वैक्सीन बनती है तो आप वैक्सीन नहीं बना पाते. हम लोग मंगलयान भेजते हैं, आप लोग आपका स्पार्को, मेरे को पता नहीं वो कौन चला रहा है, वो पेठा साहब का मंत्री, वजीर का नाम भूल जाता हूँ उसका, फवाद चौधरी है मेरे ख्याल उसका नाम, भारी सा आदमी है वो. हाँ, तो वो पेठा जो है बेचारा, वो मेरा ख्याल है कहीं चाशनी में बैठा रहता है, उसको यही नहीं पता कि मैंने करना क्या. सो मतलब बहुत सारी चीजें हैं, यू आर आउट ऑफ सिंक, यू आर आउट ऑफ फोकस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया आज जी बहुत बदल चुकी है, दिस 2021, आज 2021 में द वर्ल्ड हैज चेंज्ड ट्रेमेंडसली. इट डज नॉट गो बाय दैट लॉजिक ऑफ 1947 और pre-1947. और आप लोग तो कोशिश कर रहे हैं, आपकी जो आपके अंदर जो दहशतगर्द बैठे हैं वो तो आपको 1600 में ले जाना चाहते हैं सर, दे वांट टू टेक यू बैक 1600 इयर्स. वो मतलब यू आर आउट ऑफ सिंक कंप्लीटली. तो मैं आपके सवाल के जवाब में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि देर इज समथिंग विच इज ऑर्गेनिक, देर इज समथिंग विच इज क्रिएटेड. ये जो हम देख रहे हैं कश्मीर के अंदर, इतने साल आपने उसको घसीटा, आपने उसको ट्रैक किया, या अब जो आप फार्म प्रोजेक्ट के अंदर, उसके पर्दे के पीछे, उसके उसकी आड़ में आप जो खालिस्तान का सेंटीमेंट इवोक और प्रवोक करना चाह रहे हैं, दिस इज क्लियर, इट इज विजिबल. और आपको मैं बता दूं, ये आपने अगर कल का वीडियो ना देखा हो गुरपतवंत पन्नू का, तो उसने एक नया, उसने एक वीडियो जारी किया, उसने एक वेबसाइट लॉन्च की है, उस पर उसने बोला कि साहब आप दुनिया भर के जितने भी फॉरेन मिशन हैं इंडिया में, उसको आप चिट्ठियां लिखिए कि आप उसको रिलीज कर दीजिए, इसको रिलीज कर दीजिए. मगर भाई अगर एक बात बताइए, अगर आपका आदमी नहीं है कोई, आप उसकी रिलीज के लिए प्रेस क्यों करेंगे? आपके आदमी से मेरी मुराद है कि अगर वो आपकी आइडियोलॉजी को टो नहीं कर रहा, अगर वो आपके एजेंडा को फॉरवर्ड नहीं कर रहा, देन व्हाई वुड यू वांट टू हैव समबडी रिलीज्ड. कोई जैसे बीजेपी या आरएसएस का, जैसे बताया गया कि 26 जनवरी को जो लाल किले पे हुआ, बीजेपी आरएसएस ने करवाया, तो संडे दो ना उनके लिए, आप 70-70 वकील क्यों खड़े कर रहे हैं, उनको गर्म कपड़े जेल में जाके दे रहे हैं. मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ हिपोक्रेसी हियर आल्सो, बट जैसा मैंने कहा, वी आर अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, और हमारे मुल्क में कभी भी एक दिन का फौज और पॉलिटिक्स के बीच में या सियासत के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया. तो वी विल रिजॉल्व इट इंटरनली, इट शुड नॉट बी अ मेजर कंसर्न फॉर एनीबॉडी, स्पेशली फॉर रिहाना एंड मिया खलीफा, उनके लिए तो बिल्कुल कंसर्न नहीं होना चाहिए. अपना गाना बजाना चालू रखो ना, क्या फर्क पड़ता है. सर लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपका कोई प्लान है कि आप बीजेपी को ज्वाइन करें, क्योंकि लोग बहुत कह रहे हैं कि आप बहुत साइड लेते हैं, आप बहुत प्रोटेक्ट करते हैं आप उस पार्टी को, बीजेपी को. नहीं नहीं, मैं आपको ना, आई विल अगेन कोट मार्क ट्वेन, आपको मैं बताता हूँ सर, मार्क ट्वेन ने कहा था कि लॉयल्टी टू द कंट्री अनकंडीशनल ऑलवेज एंड एवरी टाइम, एंड लॉयल्टी टू द गवर्नमेंट व्हेन इट डिजर्व्स इट. सो दिस गवर्नमेंट डिजर्व्स माय लॉयल्टी. ठीक है, मेरे को बहुत सारे सजेशन है ट्विटर पे, तो मैं कई बार हंसते हंसते गिर जाता हूँ कि यार लोग क्या क्या सोच रहे हैं कि ये क्या कर देगा. आई एम एन ऑर्डिनरी सिटीजन, इट इज दैट आई पुट फॉरवर्ड माई पॉइंट ऑफ व्यू वेरी वेरी वोसिफरसली, और आई डोंट मिंस माई वर्ड्स. मैं अपने शब्दों के साथ खेलता नहीं हूँ जी, मैं कभी घुमा फिरा के बात नहीं करता हूँ जी. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कंटेस्टिंग एनी इलेक्शन, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, और मैं अरविंद केजरीवाल नहीं हूँ. उसने कहा था मैं जिंदगी में कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, इफ दैट अपॉर्चुनिटी कम्स बाय आई विल थिंक अबाउट इट. बट एज ऑफ टुडे, जैसे आज तारीख है साहब 18 फरवरी 2021, दैट थॉट डज नॉट क्रॉस माय माइंड. यस, इफ आई कैन बी ऑफ यूज टू द गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ टू पार्टेक इन एनी पॉलिसी मेकिंग या किसी और एफर्ट या एंडेवर में जिसमें मेरे मुल्क को फायदा हो सकता है, आई विल बी वेरी विलिंग टू बी अ पार्ट ऑफ इट. बट इलेक्शन लड़ना, देखो आरसू जी, मैं आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में बताता हूँ, इट इज टू डर्टी फॉर मी टू जंप इनटू दैट एरिना. जब तक ये कुछ बदलता नहीं ना, अभी आई एम वेरी होपफुल दैट मोदी जी एट द टॉप,
you know, things are changing very rapid, very rapid, and very good people are joining politics. But अभी भी for a straight shooter like me, मैं बड़ा straight forward सा आदमी हूँ, मैं सीधी बात करता हूँ और सीधी बात ना कई बार बहुत चुभ जाती है लोगों को. और मैं जैसा हूँ मैं सच बोलता हूँ, मैं सीधी बात करता हूँ. मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं यू नो आदमी राजनीति में जाने के बाद ना पोपट बन जाता है, वो किसी और की भाषा बोलता है, वो अपनी भाषा नहीं बोल पाता. तो मैं ये समझता हूँ कि हाल फिलहाल के लिए मैं जैसा हूँ मैं बहुत खुश हूँ. मैं आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आया हूँ. बराए करम अल्लाह अकबर अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह अकबर पहुंचाने के लिए नहीं आया हूँ. बराए करम अल्लाह अकबर अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह अकबर. मैं आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आया हूँ, ना ही मुझे नुकसान पहुंचाया. या अल्लाह तौबा या अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह. मैं नाम से लड़ने आया हूँ, मैं आपसे लड़ सकता हूँ. मैं नाम से लड़ने आया हूँ, मैं आपसे लड़ सकता हूँ. बराए करम मुझे ना मारे. बराए करम मुझे ना मारे. बराए करम मुझे ना मारे. बराए करम बराए मेहरबानी.